हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे. वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मेरे फेवरेट मार्केट, जहां से मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती रहती हूं और सबसे ज़्यादा शॉपिंग मैं इसी मार्केट से करती हूं, और इसका नाम है लाजपत नगर. सो मैं और सोनिया यहाँ पर जा रहे हैं. हमें क्विकली यहाँ से एक ही शॉप से बस ये थोड़ा सा कुछ सामान चाहिए, हम ये ले रहे हैं. सो हम शॉप पे पहुंच गए हैं और मैं और सोनिया यहाँ पर कलर चूज़ कर रहे थे. बेसिकली ये आउट ऑफ कंट्री किसी ने मंगाया है, तो हम बस ये उसके लिए ख़रीदने ही आए हैं यहाँ पर. और इसके साथ साथ शॉप के बिल्कुल सामने ही स्वीट कॉर्न वाला था, तो सोनिया और मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा ये खा लेते हैं, क्योंकि हम घर से नाश्ता किए बगैर निकले थे. वैसे लाजपत नगर बहुत ही एक अच्छा मार्केट है, जहाँ पर आपको डेली वेयर से लेके पार्टी वेयर हर तरह के कपड़े मिल सकते हैं. और इसके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे सैंडल्स और पर्सेस, ज्वेलरीज और इवन गोल्ड भी यहाँ पे मिलता है. तो ये मेरा तो फेवरेट ही मार्केट है, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी सालों से आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. और फिर सोनिया और मैं वही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लाजपत नगर में एक टी पॉइंट है, तुर्किश टी पॉइंट, वहीं पे हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं. इसके बाद जहां हम जाने वाले हैं उसका रास्ता थोड़ा दूर है, तो हमें भूख लगेगी ज़रूर, हमें फ़ील हो रहा था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पहले जाके यहां पे खा लेते हैं. और फिर सोनिया और मैं यशवंत प्लेस आ गए. यशवंत प्लेस बेसिकली अपने लेदर प्रोडक्ट और सिल्वर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है. जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ की क्वालिटी कितनी अच्छी है. और यहाँ पर मैं और सोनिया भी आज किसी के लिए गिफ्ट लेने आए हैं, तो हम भी सिल्वर के शॉप्स में ज़्यादा जाएंगे. और यहाँ पर सोनिया अपने लिए बालियाँ देख रही है, इसको भी कुछ बालियाँ पसंद आई हैं, तो ये अपने लिए ले रही है. और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी कि यशवंत प्लेस में क्रिस्टल्स और स्टोन्स के भी बहुत अच्छे कलेक्शंस होते हैं, अगर आपको कभी नीड हो तो आप जाके यहाँ से ले सकते हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं. सो पहले हमें ये सेट पसंद आया सिल्वर का, और ये हमारी फ्रेंड की छोटी सिस्टर के लिए है. बहुत क्यूट सा है, सिंपल सा है और सोबर भी, इसके साथ साथ बहुत लाइट वेटेड है. और फिर हमें हमारी फ्रेंड की मम्मी के लिए कोई सेट चूज़ करना था. वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस थे, लेकिन हमें हमारे बजट के हिसाब से भी और डिज़ाइन के हिसाब से भी यही वाला सेट पसंद आया, तो हमने ये ले लिया. और फिर हमारे गिफ्ट्स फाइनल हो गए और हम पैक करवा रहे थे. और यहाँ से जाने के बाद हमें एक तस्बीह भी चाहिए था किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो हमने वो स्टोन्स के शॉप पे जाके वहाँ से हमने तस्बीह भी ले ली. फिर हमने टाइगर आई स्टोन का तस्बीह बाई किया गिफ्ट देने के लिए. और मेरे ख़्याल से तो गिफ्ट में ये बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इस स्टोन के, जैसे गुड लक और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता है, और इसके साथ साथ इनर स्ट्रेंथ भी इन्हेंस करता है. तो गिफ्ट के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है.
So we are done with our shopping now and we are going to a cafe. It's almost evening here. और फिर हम इस कैफ़े में आ गए थे। इस कैफ़े का नाम है विप्ट और ये जीके में है। तो हमारा बहुत मन था कि हम कॉफ़ी पिए, लेकिन उस दिन अवेलेबल ही नहीं था कॉफ़ी, तो इसलिए फिर हमने ग्रीन टी ऑर्डर किया। और जब तक वो हमारे ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तो हम वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे और बहुत खूबसूरत सा एक इनका इन्वायरमेंट था, उसको हम इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारा गिफ्ट्स आइटम रखे हुए थे, वो सब हम देख रहे थे और साथ साथ मैं आप लोग के लिए व्लॉग बना रही थी, सोनिया फ़ोटो खिंचवा रही थी। और कैफ़े के बिल्कुल बाहर ही एक क्यूट सा सिटिंग एरिया था, वहाँ पे सोनिया और मैं बैठ के वेट कर रहे थे अपनी चाय का। और क्योंकि ठंड का मौसम है और हल्की हल्की सी वहाँ पे हवा भी चल रही थी, म्यूज़िक भी चल रहा था, तो हम उसको एंजॉय करते करते और हम एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। थोड़ा प्यार आ रहा था एक दूसरे पर, तो वो प्यार भी जता रहे थे। और फिर हमारी चाय आ गई और हमने चाय पिया। और फिर डिज़र्ट भी आ गया तो हम डिज़र्ट खाने लग गए। और ग्रीन टी के साथ तो मीठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। और मैं आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पेज में एक पोल डाला था कि आपको नेक्स्ट व्लॉग किसका चाहिए, तो आप लोगों ने उसका आंसर दिया और सजेस्ट किया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने नोट डाउन कर लिया है कि आप लोग को पोइट्री सुनना है। मैं कुछ आने वाले कुछ व्लॉग्स के बाद फिर मैं ज़रूर अपना पोइट्री भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही रहेगा मेरे साथ और मेरा व्लॉग ऐसे ही देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल के अपना मेरा व्लॉग देखते हैं, मैं बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के इस रिस्पांस के साथ, आप लोग के इस प्यार के साथ। थैंक यू सो मच। सो आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।